हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देसी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छेना रसगुल्ले। देखिए, हमें उसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें दूध चाहिए, चीनी और आधा कटोरी दूध, और ये है मैदा, और 2 से 3 चम्मच सिरका। अब चलो हम शुरू करते हैं इसको बनाने की तैयारी। ठीक है, सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे। दूध को एक उबाला आने तक हम गर्म होने देंगे और इसको एक दो बार हम चला देंगे ताकि दूध तली में लगे ना। देखिए फ्रेंड, दूध में हमारे अब उबाल आ चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। और इसको 20% हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अगर जल्दी हो तो इसमें आधा गिलास ठंडा पानी मिला लेंगे। हम इसमें आधा गिलास ठंडा पानी मिला लेंगे। अगर हम ज़्यादा गर्म में दूध को फाड़ेंगे तो हमारा पनीर बन जाएगा और छेना हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको 20% ठंडा कर लेंगे। हमने 2 चम्मच सिरका लिया था, 2 चम्मच मिलाया है इसमें पानी। अब हम इसको इसमें डालते हैं और इसको चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड, छेना हमारा फटकर हो गया है तैयार। अब हम इसको छान लेंगे। छेने को हम कपड़े में छान लेंगे। अब हम छेने को अच्छी तरीके से ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। और हम अच्छे से हाथों की मदद से ना निचोड़ लेंगे इसको अच्छे से। देखिए दोस्तों, छेना हमारा बनकर हो गया है तैयार। पहले हम चाशनी गर्म होने रखते हैं, चाशनी पकाते हैं। चाशनी के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी हमें चाहिए हमें पानी। अब हम अपनी चाशनी को गर्म होना रखते हैं। अब हम छेने को अच्छे से मथ लेंगे और उसमें मैदा मिला लेंगे। हम हाथों की ऐसी मदद से इसको मथ लेंगे अच्छे से। देखिए, पनीर हो गया हमारा तैयार। अब हम इसकी बनाते हैं पोल। अब हम इनके सबके गोल गोल ये हमें तैयार करने हैं छोटे छोटे रसगुल्ले हाथों की मदद से। देखिए दोस्तों, रसगुल्ले ये हमने बना दिए हैं। अब हम इनको चाशनी में डालेंगे। उधर हमने चाशनी चढ़ा रखी है।
दही चाशनी हमारी बॉईल हो चुकी है, अब हम इसमें डालते हैं दूध, जो हमारी चाशनी पे जितना भी गंदगी होगी वो सब ऊपर आ जाएगी। हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए जितना भी इसमें गंदा है वो आ गया है दूध की, दूध डालने से ऊपर। अब हम इसको छन्नी की मदद से उतार देंगे, जितना भी हमारी चीनी में गंद होगा वो सब आ जाएगा। हम हाई फ्लेम पे अब उसमें रसगुल्ले डाल देंगे एक एक करके। हाई फ्लेम पे हम रसगुल्लों को पकने देंगे 10 मिनट के लिए, और इन्हें हम ढककर पकाएंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी जंगे रहने देंगे ताकि हमारे रसगुल्ले देखिए दोस्तों रसगुल्ले हमारे फूलकर हो गए हैं डबल। अभी हम और 5 मिनट इन्हें पकने देंगे। हेलो फ्रेंड, देखिए छेना के रसगुल्ले बनकर हो गए हैं रेडी। अब हम निकालते हैं इनको बाउल में। देखिए दोस्तों हमारे रसगुल्ले बनकर हो गए हैं रेडी। ये हैं छेना के रसगुल्ले, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी।